हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लेटेस्ट न्यू रेसिपी कोकोनट बर्फी। बहुत ही स्वीट एंड डिलीशियस रेसिपी है, स्वीट्स है और हेल्दी भी रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिए। हाय एवरीवन, मैं मिसेज रेखा अपने यूट्यूब चैनल कुक विद मिसेज रेखा में आपका स्वागत करती हूँ। कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हम लोग पहले एक कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें हमने ये दो बाउल कोकोनट का बुरादा लिया है। ग्रेटेड कोकोनट है, आप इसे घर में भी निकाल सकते हैं। ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर पे, बेकरी स्टोर पे या जनरल स्टोर पे। तो इसको पहले हमने हल्का एक चम्मच घी डाल करके, देसी घी या बटर जो हो आपके पास उसको डालिए, उसको हमने थोड़ा सा हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे, ये खड़ी चीनी है। हमने एक बाउल दो बाउल कोकोनट लिया था तो उसका हाफ हमने वन बाउल शुगर लिए। आप अगर कम मीठा खाते हैं तो आप शुगर थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। इसको शुगर धीरे धीरे कोकोनट के साथ मेल्ट होगी और इसमें इसको बराबर से ऐसे दबाते हुए चलाते रहेंगे हम लोग, जिससे कि इसमें कोई गुठली ना पड़े। तो देखिए जी, ये शुगर हमारी मेल्ट हो रही है। इसमें इस स्टेज पे हम थोड़ा सा दूध, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आप मेज़र के लिए कोई भी एक बाउल ले लीजिए, उसी से दो बाउल कोकोनट लीजिए और उसी बाउल से एक कप एक बाउल शुगर लीजिए। और मिल्क आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाइए। देखिए हमारी शुगर मेल्ट हो रही है, अब ये बाइंडिंग स्टेज पे धीरे धीरे आएगी। इसको लेकिन बराबर चलाते रहना है, एकदम फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। ये बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, आप लोग किसी भी फेस्टिवल पे इसको ज़रूर बनाइए। वैसे भी इसको बना के खा सकते हैं। और ये थोड़ा दूध हमने इसमें केसर मिला लिया था, और आप चाहे तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केसर से ये और हेल्दी और टेस्टी हो जाती है। तो थोड़ा सा हमने आधा कप दूध लिया और उसमें ये हमने दूध हमारा आधा कप, अगर स्पून से कहें तो 3 से 4 चम्मच आप दूध लीजिए। उसमें थोड़ा सा केसर भिगो दीजिए गर्म दूध में, वो अपना कलर छोड़ देगा। और फिर उसके बाद इसमें हमने दूध ऐड किया है और इसको देखिए बराबर चलाते हुए उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि चीनी हमारी जो है पूरी तरह मेल्ट हो जाए। और ये 4 से 5 इलायची का हमने पाउडर लिया है और इसमें अच्छे फ्लेवर और महक के लिए हमने इलायची पाउडर डाला है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं या केवड़ा डाल सकते हैं, लेकिन छोटी इलायची सब घर में रहती है इसलिए हमने इलायची पाउडर डाला है। इसका फ्लेवर टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छा आता है। और ये हमने कुछ नट्स डाल रहे हैं, ये आलमंड हमने थोड़े से बारीक लंबे में काट लिए थे, इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहे तो किशमिश काजू कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आलमंड केवल डाला है। देखिए हमारा मिक्सचर, अब देखिए काफ़ी हमारा ड्राई थोड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है कि हमारी बर्फ़ी अच्छे से जम जाए। तो हमने एक स्टील की थाली ली है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास बर्फ़ी वाली ट्रे हो तो आप उसको लीजिए और उसको भी ग्रीस कर लीजिए, या बटर पेपर हो तो उस पर बटर पेपर भी लगा दीजिए। और फिर ग्रीस करने के बाद इस पर हम सारा मिक्सचर निकाल लेंगे। थोड़ा सा अब ये हमारा गर्म है, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। सारा मिक्सचर हमें देखिए कितनी टेस्टी, अच्छी एकदम हेल्दी रेसिपी है। बाहर की स्वीट्स आजकल खाने लायक नहीं रहती, इसमें बहुत ही चीज़ों की मिलावटी की जाती है, बिल्कुल प्योर स्वीट्स है। इसको हम स्पून की या स्पैचुला की सहायता से इसको हम अच्छे से एक इस शेप दे देंगे, स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा शेप आपके हो तो थोड़ा सा अच्छे से शेप देने के लिए हम इसमें हाथ में थोड़ा सा
घी लगा करके इसको अच्छे से देंगे कि जिससे ये हमारे हाथों में चिपके ना। इसको अच्छे से हम शेप दे देंगे। देखिए हमने स्क्वायर शेप इसको दी है। अब थोड़ा सा हमारा अभी ये पेस्ट गर्म है, अभी हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और इसके ऊपर से थोड़े से नट्स, हमने आलमंड और पिस्ता थोड़े से लिए हैं, उनसे डेकोरेट कर देंगे। पिस्ता और आलमंड का फ्लेवर बर्फ़ी में बहुत अच्छा आता है कोकोनट के साथ। तो हम ये हमने पिस्ता लिया है। अब हम पहले हमने आलमंड से डेकोरेटिंग किया था, अब हम पिस्ता से डेकोरेट कर देंगे। पिस्ता का फ्लेवर किसी भी स्वीट्स में बहुत ही अच्छा आता है और हेल्दी भी हैं सारे नट्स। तो ये एक हेल्दी रेसिपी है। और शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग कम लाइक करते हैं मीठा तो कम थोड़ा शुगर की मात्रा आप लोग क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। इसको बराबर से हमने शेप दिए, इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हमने, अब इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए अब हमारा, हमने इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था कि थोड़ा सा टाइट हो जाए हमारा। और फिर अब हम इसको जिस शेप में आप बर्फ़ी शेप में काटना चाहें या स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, जिस शेप में आप काटना चाहें इस शेप में इसको काटें। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। देखिए इस तरह से नाइफ की हेल्प से हम इसको अच्छे से स्क्वायर पार्ट में कर देंगे। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस स्वीट्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये होममेड है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल थिंग्स, केमिकल्स कुछ भी नहीं पड़ा। कलर के लिए भी हमने केसर का यूज़ किया है। देखिए कितनी अच्छे स्वीट्स हमारी बनके रेडी हुई है, बर्फ़ी, कोकोनट बर्फ़ी। इसी तरह से हम सारी स्वीट्स एक एक अलग कर लेंगे। वाओ, देखिए ये हमारी स्वीट्स बनके रेडी हो गई है। कोई कहेगा कि ये घर में स्वीट्स बनाई गई हैं, कितनी डिलीशियस और टेस्टी स्वीट्स लग रही हैं। आप सब लोग भी इसको घर पे ज़रूर बनाइए। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए हेल्दी है। जिनको शुगर कम खानी है वो इसमें लाइट शुगर डालें। और लेकिन मेरे चैनल को और न्यू रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके।